हाय बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हॉक क्रिएशन। तो फाइनली बादशाह का फुल पॉडकास्ट लल्लन टॉप के चैनल पर ड्रॉप हो चुका है, जिसमें उन्होंने खुलकर हनी सिंह के बारे में बात करी है, जिसके बाद अब लोगों की एक ही ख्वाहिश है कि बादशाह और हनी सिंह दोनों लोग आमने सामने बैठकर पॉडकास्ट करें, जिससे कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया था, बाकी जो रह गई है वो ये है कि बादशाह ने कहा कि उन्होंने हनी सिंह को 10 लाख रुपए दिए थे, जिसमें हनी सिंह बादशाह की एल्बम करते, बादशाह की एल्बम होती और उसमें हनी सिंह का म्यूजिक होता। तो सौरभ द्विवेदी ने पूछा कि वो एल्बम ड्रॉप हुई, तो बादशाह ने कहा नहीं। तो सौरभ ने पूछा कि पैसे किसको दिए थे, तो बादशाह ने कहा कि मैंने तो हनी सिंह को ही दिया था। और नेक्स्ट बादशाह ने ये कहा कि मैं गाने लिखता था तो पहले सीडी चलती थी, तो उस सीडी पर बकायदा मेरा नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया लिखा हुआ होता था, लेकिन जब वो म्यूजिक वीडियो के साथ ड्रॉप हुआ तो उसमें मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। और नेक्स्ट कहा कि जो भी उनके साथ था उनका कुछ खास हुआ नहीं, जब वो निकल गए उस माफिया मुंडीर ग्रुप से तभी वो कुछ बन पाए। और नेक्स्ट कहा कि जब हनी सिंह शोज वगैरह करने लगे थे तब बादशाह को भी बुला लिया जाता था, तो सौरभ ने कहा कि आपको पेमेंट मिलती थी, तो बादशाह ने कहा नहीं। तो आप लोगों को ये सब बातें सुननी है तो टाइम स्टैम्प 22 मिनट से 40 मिनट के बीच में देख लो 1.75x पर, जिसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट एमीवे और किंग से रिलेटेड, तो पैंथर ने एक Q&A रखा हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया कि ब्रो बीफ सुन रहे हो एमीवे और किंग की, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, कौन जीता तुम्हारे हिसाब से। तो पैंथर बोले इंडियन हिप हॉप हार गया भाई। और वही नेक्स्ट में पूछा कि बादशाह और हनी सिंह, तो वो कहे माफिया मुंडी। नेक्स्ट अपडेट करण औजला की तरफ से, तो उनका एक लंदन में शो था, वहाँ वो परफॉर्म कर रहे थे तो किसी एक लड़के ने अपना जूता फेंक दिया उन पर, जिसके बाद वो काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने उस बंदे से वन वर्सेस वन करने के लिए स्टेज पर बुलाया, जिसके बाद उस बंदे को सिक्योरिटी वाले लेकर चले गए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।